मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक होगा या नहीं, इस पर सरकार दुविधा में पड़ गई है। सरकार 1 जून से जिलों को अनलॉक करने की तैयारी में है। इन तैयारियों के बीच केंद्र सरकार के एक पत्र ने उसे दुविधा में डाल दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वह लॉकडाउन को 1 जून के आखिरी तक जारी रखें। रीवा शहर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में SAF जवान को पीटने वाले डॉक्टरों पर पुलिस कार्रवाई की है। 6 डॉक्टरों के खिलाफ नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ अमहैया थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पूर्व CM कमलनाथ ने CM शिवराज से MP में हुई 1.5 लाख लोगों की मौतों का हिसाब मांगा है। कोरोना को इंडियन वेरिएंट, भारत बदनाम जैसे बयान के बाद अब पूर्व CM कमलनाथ ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 1 साल में 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शमशान घाट और कब्रिस्तान के आंकड़ों को क्यों छुपा रही है सरकार, सरकार बताए कि इन लोगों की मौत कैसे हुई है। कमलनाथ के भाजपा पर आंकड़ों की बाजीगरी के आरोप पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार को चुटकी ली है। उन्होंने कमलनाथ को खुली चुनौती दी है कि उनके पास सही आंकड़े हैं तो बताएं, आपदा में राजनीति ना करें। साथ ही कहा है कि आंकड़ों में बाजीगरी का पूर्व CM का पुराना अनुभव है। मध्य प्रदेश के साथ ही भोपाल भी 1 जून से आंशिक रूप से अनलॉक होने जा रहा है। इस दौरान रोजमर्रा की चीजों के साथ ही सैलून और किराना दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट, होटल और संक्रमण फैलाने वाले सेक्टर पहले फेज में बंद ही रहेंगे। चिंता की बात सिर्फ ये है कि अब भी भोपाल में संक्रमण रेट 5% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिल दहला देने वाला दृश्य देखा गया। शुक्रवार को एक युवक को सुअरों ने घसीट घसीट कर नोच खाया। सुअरों ने युवक का चेहरा और शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह खा लिया। युवक कोलार में गुरुवार शाम से लापता था। ये घटना उस कोलार क्षेत्र की हुई है जहां सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना से ठीक हुए मरीज पर ब्लैक फंगस की दोहरी मार पड़ी है। परिजन एक एक इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं और कुछ लोग हैं कि आपदा को अवसर बनाकर कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। उज्जैन में ऐसे ही एक मेडिकल की दुकान पर पुलिस ने कार्रवाई की। ब्लैक फंगस बीमारी में काम आने वाले 16 इंजेक्शन की कालाबाजी कर रहे मेडिकल पर छापा मार कर इंजेक्शन जब्त किए गए।